पार्ट थ्री इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास नाइन साइंस चैप्टर, उसका थर्ड पार्ट आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख चुके हैं। शुरुआत करेंगे, हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है इंट्रोडक्शन टू सेपरेशन। अब सेपरेशन क्या होता है? सेपरेशन मीन्स होता है किसी चीज़, दो चीज़ें अगर मिक्स है तो उनको अलग अलग करना। जैसे कि घरों में हम लोग देखते हैं जो आटा चक्की से आता है उसको छानते हैं तो उसमें जो भूसी वगैरह होता है, जो हस्क वगैरह होता है, वो अलग हो जाता है। तो ये सेपरेशन है जो सिंपल तरीके से हम लोग घर में करते हैं। फिर दाल या चावल को हम लोग हैंड पिकिंग करते हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं सेपरेशन को। हेटरोजिनस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब होता है मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड मीन्स हाथों से चुन चुन के अगर हम लोग कोई सेपरेशन करते हैं तो उसको फिजिकल मेथड कहते हैं। तो जैसे कि हमारा फिजिकल मेथड में फर्स्ट क्या है, हैंड पिकिंग है। हैंड पिकिंग हम लोग किए हैं दाल या चावल बिनते समय हम लोग उसमें से पत्थर के टुकड़े या अनवांटेड जो भी चीज़ें बाहर निकालते हैं वो हैंड पिकिंग है। सीविंग क्या होता है, आटे या बेसन को या मैदा को जब छानते हैं, सूजी को छानते हैं, दैट इज सीविंग। फिल्ट्रेशन क्या होता है, चाय पत्ती को अलग करते हैं, चाय पकाने के बाद उसको हम लोग अलग कर देते हैं तो उसमें से चाय पत्ती, अदरक, ये सब अलग हो जाता है, वो फिल्ट्रेशन है। तो क्लियर, ये इसको बोलते हैं फिजिकल मेथड, क्योंकि इसमें हम जो है फिजिकली जो है मैनुअली कोई काम करते हैं, कोई केमिकल टेक्निकल मेथड नहीं है ये। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हैंड पिकिंग है। हैंड पिकिंग यहाँ हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये ब्लैक ब्लैक, तो इसको बाहर निकाला जा रहा है, ब्लैक ब्लैक टुकड़ों को बाहर निकाला जा रहा है इस तरह। नेक्स्ट है हमारा सीविंग। सीविंग भी हम लोग देखते हैं घर में कि ये छन्नी से छाना जा रहा है आटे को, कोई भी फ्लोर हो, किसी टाइप्स का फ्लोर हो, उसको छान सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है सेपरेशन अप टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो इमिसिबल लिक्विड का मतलब समझते हैं, लिक्विड तो मालूम है हमें, इमिसिबल का मतलब समझते हैं। इमिसिबल माने दो लिक्विड जो डज नॉट डिजॉल्व टू ईच अदर, ऐसे लिक्विड्स जो डू नॉट डिजॉल्व टू ईच अदर, जो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। जैसे कि सिंपल सा जो एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है, ऑयल प्लस वाटर। तुम लोगों ने कभी ऑयल और तेल और पानी को मिक्स किया होगा तो देखने में लगेगा मिक्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर अगर उसको ऐसे छोड़ दो तो देखोगे जो लाइटर पार्टिकल होंगे, जिनकी डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर आ जाएगा। तो ऑयल और वाटर में किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये नीचे आ जाएगा, ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा, और बीच में एक जो है लाइन जैसा बन जाएगा, एक लकीर बन जाएगा इस तरह से। तो ये है हमारा इमिसिबल लिक्विड जो डिजॉल्व ना हो एक दूसरे में, इसका देखते हैं हम लोग। इसको अलग करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल इस तरह देखने में होता है, यहाँ एक कॉर्क लगा रहता है, ये हमारा नीचे से ये एक नॉब है जिसको लूज करेंगे तो यहाँ जो भी लिक्विड है वो नीचे आएगी। तो ये हमारा सेपरेटिंग फनल है। हमने केरोसिन ऑयल और वाटर को लिया और दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद यहाँ से इसको खोल के इसके अंदर डाल दिया, इस मिक्सर को डालने के बाद उसको मिक्स करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद देखेंगे बीच में एक लेयर बन जाएगी, ऊपर वाली लिक्विड अलग दिखेगी, नीचे वाली लिक्विड अलग दिखेगी, जिसकी डेंसिटी हायर होगी वो नीचे होगी और जिसकी डेंसिटी लोअर होगी वो ऊपर होगी। तो वाटर में वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, केरोसिन की कम होती है, तो वाटर नीचे आएगा। अलग कैसे करेंगे, यहाँ से इसको लूज करेंगे और धीरे धीरे ये ड्रॉप बाई ड्रॉप नीचे आएगा, इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आएगा। और जब ये लेयर नीचे आ जाएगी, जब यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो इसको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे।
तो इस तरह ये सेपरेट हो गया। इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन में इसका यूज क्या है तो देख लो, टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी को अलग करने के लिए, ऑयल एंड वाटर को अलग करने के लिए। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इस ओर, लोहा जो ज़मीन के नीचे से हम निकालते हैं उस वो ओर के फॉर्म में होता है, उसमें ढेर सारी इम्प्योरिटीज होती है, तो उनको भी सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम लोग जो है यही मेथड अपनाते हैं। जो लाइटर स्लैब होता है वो ऊपर आ जाता है इस तरह से, तो जो लाइटर स्लैग होता है, ये जो लाइटर स्लैग है ये ऊपर आ जाता है, और चूंकि आयरन मोल्टेन आयरन ये हैवी होता है, ये नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो चूंकि ये पिघला हुआ होता है तो हम इसको जो है इस तरह नीचे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है पहले हो गए, सेंट्रीपिटल एक फोर्स होता है जो इस तरह सर्कुलर तरीके से मोशन, उसका मोशन सर्कुलर होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इन मिक्सर, दो लिक्विड है दोनों एक दूसरे में मिसिबल है, मिसिबल माने दोनों मिक्स हो गया, पता नहीं चल रहा है कि ए और बी लिक्विड कहाँ है, क्योंकि ए और बी इस तरह मिक्स हो गया कि पता नहीं चलता है, तो एक सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लगाते हैं हम लोग, उससे अलग करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड ऑन द बॉटम, जो डेंसर पार्टिकल होगा, भारी पार्टिकल्स होगा वो नीचे, अगर ये हमारा ऑपरेटर्स है तो जो डेंसर पार्टिकल होगा नीचे होगा और जो लाइटर पार्टिकल्स होगा ये यहाँ ऊपर जमा हो जाएगा, तो ऊपर से ऐसे इसको बाहर निकाल लेंगे। तो पहले इसका पिक्चर देखते हैं, ये है हमारा, ये मशीन है, और उस मशीन को अगर इस तरह से थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखें तो ये इस तरह होता है। ये हमारा जो है सेंट्रीफ्यूग, इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखो बिफोर, बिफोर माने कि शुरू में कैसा था, शुरू में ये था कि ये जो येलो कलर का लिक्विड है ये, और ये ब्लू कलर के जो डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, दोनों फुली मिक्स्ड हैं, डिजॉल्व हैं, लेकिन जब इसको घुमा देते हैं, ये है, इसको इस तरह घुमाते हैं, ऑन करेंगे तो इस तरह मिक्स हो घूमेगा, तो ये भी एरो का निशान है ना, ये इस तरह घूमेगा। घूमने के बाद हम देखेंगे कि जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं ऊपर होते हैं, और लाइटर पार्टिकल्स को इस तरह जो है अलग कर लेते हैं। ये है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, उस समय हम करते हैं। यहाँ जो ये डायग्राम दिया गया है ये उसी का है, ब्लड और यूरिन टेस्ट का ही ये डायग्राम है। यूज्ड इन डेयरी, डेयरी में क्या होता है कि मिल्क होता है, मिल्क में क्या होता है, क्रीम होता है, तो मिल्क से क्रीम कैसे अलग करेंगे, तो ऐसे ही अलग करते हैं, उसको अच्छे से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से घुमा देंगे, घुमाने के बाद जो क्रीम होगा वो हल्का होता है तो ये ऊपर आ जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह होते हैं नीचे आ जाते हैं, और इस तरह जो है इसको अलग कर लेते हैं। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ, और गीले कपड़ों से पानी को अलग करने के लिए आजकल वॉशिंग मशीन में भी कपड़े सुखाने वाला सिस्टम होता है ना, तो वो यही मेथड होता है, तो इससे हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैसेस विदाउट चेंजिंग, मतलब अगर कोई सॉलिड है, अगर ये कोई सॉलिड है, इसको हीट करेंगे, यहाँ इस तरह हीट करेंगे, तो ये लिक्विड में चेंज नहीं होगा, लिक्विड में चेंज हुए बिना डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, यानी लिक्विड स्टेट इसमें नहीं आएगा, ये डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस बन जाएगा। तो यहाँ लिखा है द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैसियस विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड, मतलब बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, नेप्थिलिन बॉल सब्लाइम हो जाता है, नेप्थिलिन बॉल
व्हाइट कलर का होता है, घरों में देखे होंगे, तो वो जो है धीरे धीरे जो है कपड़ों में डाले जाते हैं कि कीड़े न लगे, तो वो धीरे धीरे सबलाइम हो जाता है, गायब हो जाता है, छोटा हो जाता है, गायब हो जाता है। इस मेथड का यूज कहाँ करते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर माने कपूर है, जो कपूर पूजा में हम लोग यूज किया जाता है, नेप्थेलिन बॉल है, ये एंथ्रासीन है, ये सारे ऐसे मटेरियल हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाते हैं, यानी डायरेक्ट इनका सब्लिमेशन हो जाता है। तो ये है सब्लिमेशन, इसका डायग्राम ये यह है। यहाँ पर हमने जो है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया और सॉल्ट माने नमक ले लिया, मिक्स करके इसमें डाल दिया, ठीक है। इसको नीचे से हीट दे रहे हैं, ये हीट है, तो हम देखेंगे कि यहाँ से जो कैम्फर होता है, कैम्फर डायरेक्ट गैस में बदलता है, चूँकि हम यहाँ कॉटन प्लग लगा देते हैं, रुई वगैरह से इसका मुंह बंद कर देते हैं, तो बाहर इवेपोरेट आउट नहीं हो पाता है, तो ये क्या होता है, इसकी दीवारों पे चिपक जाता है। तो जब ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हम इसको हटा लेंगे, हटाने के बाद देखेंगे कि सॉल्ट नीचे रह जाएगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा और ये दीवारों के ऊपर कैम्फर अलग हो जाएगा, कैम्फर अलग हो जाएगा। तो ये सेपरेशन हो गया, यही है सब्लिमेशन। बस तीसरे पार्ट में इतना ही है, इसके नोट्स बना लेना, याद कर लेना, पढ़ लेना, नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना।